समय का भाव गौर करें। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने और कलम को उठाया, चार लाइन के कवित्व में बड़े ही सुंदर शब्दों को लिखा और गौर करें कहा है कैसे। गौर करें, चलते हैं एक दो लाइन की भवानी लेते हुए। और भवानी भी क्या कि कभी ने कलम को उठाया, लिखा है अपने इस महान देश के बारे में कि हमारा देश कितना महान है, हमारे देश में ना जाने कैसी कैसी खूबियां हैं। तो गौर करें और लिखा है क्या, कहा कि धरती दुल्हन सी सजती, गिरधर की मुरलिया बजती, यहाँ मीरा संकट सहती, जिस देश में गंगा बहती, ये
गौर करें, आज बताया अर्थ में क्या एक दिना पाताल पुरी ते, शब्दों की तरफ गौर करें, क्या एक दिना पाताल पुरी ते हर बासिक राजा आया है, हर मगन वही हिमवान यार जाने अपने कंठ लाए, क्या भारी खुशी भरी दो उनको, क्या भारी खुशी भरी दो उनको, हर कर कर याद पुरानी और अब आगे सुनो कहानी। आज उस बासिक की नजर एकदम से भानुमती की ओर चली जाती है, उसने देखा तो कहने लगा कि इस भानुमती का विवाह मैं अपने पुत्र फूल कुमार से ही करवाऊंगा। तो सज्जनों हुआ कुछ ऐसा कि आज भानुमती के राज्य में अकाल पड़ जाता है। तो वो भानुमती रात्रि का समय है और एक बियावान जंगल में पहुंच जाती है, तो झड़ाज कैसे जवाब दे रही है, कहा और गौर करें, बेटी ने सुनी और लाई दुखी आते और भाई फटी जाए छाती, अरे या दुनिया के कहा, अरे या दुनिया के बिचारे चाहे जहां डोलिए, चाहे
अकेली और रो रही है। जब उसने देखा कि रात्रि का समय है, मैं इस जंगल में अकेली हूँ, तो आज वो सिसक सिसक कर रोने लगी। तो गौर करें और चौक में लिखा है कैसे। सुनिएगा, समय का भाव एक छोटा सा गाना, गाना भी क्या जो कि हमारे इस समाज में, हमारे इस देश में कितने अत्याचार, कितने अन्याय, कितनी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। तो ऐसे ही एक माँ होती है, आज उसके ससुराल वाले सभी उस पर दबाव बनाते हैं। एक डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाती है, कहने लगी क्या डॉक्टर साहब मेरी सोनोग्राफी कीजिए और बताइए मेरे गर्भ में एक बेटी है या बेटा। आज डॉक्टर साहब सोनोग्राफी करते हैं, कहने लगे कि आपके गर्भ में एक बेटी है। तो जैसे ही उस मां ने सुना, कहने लगी कि डॉक्टर साहब मुझे ये बेटी नहीं चाहिए, इसे मार दीजिए। तो सुनिएगा, आज अपनी माँ की इन बातों को वो नन्ही सी जान, वो छोटी सी बेटी और गर्भ में सुन रही है और किस तरह से करुण पुकार कर रही है। कैसे लिखा, कहा हरे रो रो लाडो कहती गर्भ मती, क्या मातमती बन कसाई क्या
मत बने कसाई क्यों रही हतनत है मारी मात मत बने कसाई। और वो बेटी कहने लगी हे माँ आप मुझे जन्म दे दीजिए जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तो आज क्या कहने लगी अरे मोकु जन्म माता तू दे दे मोकु जन्म माता तू दे दे तेरो हुकुम निभाऊंगी। अरे घर को काम करूं मैया सबरो घर को काम करूं मैया सबरो पढ़वे तक नहीं जाऊंगी। एक 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं श्यामवीर सोनेरा जी आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा अरे मोकु जन्म माता तू दे दे तेरो हुकुम निभाऊंगी। अरे घर को काम करूं मैया सबरा घर को काम करूं मैया सबरा पढ़वे तक नाए जाऊंगी। अरे रूखा सूखा पेट भरूंगी जरूरत। तो आपकी और हमारी तो औकात ही क्या है। तो गौर करें कवि ने लिखा क्या कहा अरे करुण पुकार सुनिए बेटी की करुण पुकार सुनिए बेटी की माँ की फटन लगी छाती।